नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज चैनल। जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के करौदी कला गांव निवासी विनय प्रताप सिंह की हत्या के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतक के भाई महेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि विनय प्रताप सिंह की हत्या पुलिस की उदासीनता के कारण हुई है। अगर पुलिस सक्रिय हुई होती तो जान बच सकती थी। मृतक के भाई महेंद्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक व आईजी वाराणसी से की गई शिकायत के अनुसार घटना के दो दिन पूर्व उन्होंने सुरेरी थाने पर तहरीर देकर पड़ोसी पर जान से मारने की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। अगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद विनय प्रताप सिंह की हत्या नहीं हो पाती। वहीं घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि घटना के दिन ही पीड़ित परिजन द्वारा थाने पर नामजद तहरीर दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मामले की लिपापोती में लगी हुई थी। मृतक के भाई महेंद्र सिंह का आरोप है कि हत्या के दिन पुलिस ने यह कहकर मुकदमा दर्ज नहीं किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं की। पीड़ित परिजन लगातार थाने का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पूछे जाने पर पुलिस अब यह बता रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हाथ में नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के पास है, उनके हाथ में आने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगी। वहीं पुलिस इस कार्यप्रणाली को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा हो रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर पीड़ित परिवार मुकदमा दर्ज कराने को लेकर उच्चाधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इस बाबत थाना अध्यक्ष सुरेरी मुन्ना राम ने बताया कि जांच चल रही है, जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है, सना बोध नारायण सिंह। रहने वाले कहाँ के हैं? ग्राम करौदी। ये जो एप्लीकेशन आप दिखा रहे हैं, क्या है ये एप्लीकेशन? में सर थाने पे 2 बार पहले दिया था, फिर दिया था 4 दिन पहले। मतलब जिस दिन आपके भाई की हत्या हुई थी उसके 2 दिन पहले आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया था? हाँ। क्या कहा था आपने, मतलब क्या आरोप था आपका? हमारा आरोप था ये लोग बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे थे, कभी भी हम लोग हमें हमारे भाई को मार सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की, न कोई अगर ऐसा किए होते, सुनवाई की होते तो मेरे भाई की हत्या नहीं हुई होती। मतलब हत्या होने के पहले ही आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया था? हाँ। अगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया होता तो आपके भाई की हत्या नहीं होती। हाँ। मतलब ये हत्या जो हुई है कहीं न कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही है? हाँ, पुलिस की सरासर लापरवाही है। अच्छा, तो ये जमीन को लेकर विवाद चल रहा था? जमीन को लेकर विवाद चल रहा है सर। किससे विवाद चल रहा था? योगेश सिंह। अच्छा, तो हत्या किसने कराया है? योगेश सिंह, जयप्रकाश। अच्छा, तो एप्लीकेशन भी आपने उन्हीं के खिलाफ दिया था? मैं के खिलाफ दे रहा हूँ सर, अभी तक वो एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं। मेरे भाई को 26 तारीख को लाश मिली, 26 तारीख से परेशान हूँ, अभी तक मेरा FIR दर्ज नहीं किए। अच्छा अच्छा, ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।